हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर जी के सब्जेक्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, 6 and 7। वी विल डू 3 चैप्टर्स टुडे। राइट द करेक्ट जेंडर नेम ऑफ द फॉलोइंग। जेंडर्स बताने हैं आपको, मेरे साथ साथ आपको लिखना है। द मेल ऑफ द डक, ड्रैक। डक का मेल है उसको बोलते हैं ड्रैक। मेल ऑफ द हैन, हैन किक को बोलते हैं कुक। द फीमेल ऑफ जेंडर, गूज। द फीमेल ऑफ द लैन, लाइनस। द फीमेल ऑफ एन ऑक्स, काओ। काओ के फीमेल को क्या बोलते, सॉरी ऑक्स के फीमेल को क्या बोलते हैं, काओ। हॉर्स के फीमेल को मेयर। द फीमेल फॉक्स इज कॉल्ड विक्सन। द मेल शिप इज कॉल्ड रैम। द मेल ऑफ पीहन, पिकॉक। पिकॉक का पीहन होता है ना, तो पिकॉक। द फीमेल ऑफ द बक, डॉय। द फीमेल ऑफ द डॉग, बिच। द फीमेल बियर इज कॉल्ड सॉ। तो ये आपको अपनी बुक के अंदर फिल करना और लर्न भी करना है, किसके फीमेल और मेल। जैसे इसको, ये मेल है, सॉरी ये मेल है तो ये फीमेल है। फीमेल ऑफ द हैन, ये मेल है, ये फीमेल है, क्योंकि यहाँ लिख रहा है द मेल ऑफ द डक। डक का मेल क्या होगा, ये हो गया। जहाँ फीमेल लिखा हुआ है तो इस मतलब ये फीमेल है। समझ में आया? अ मेल हॉर्स इज कॉल्ड अ मेल हॉर्स इज कॉल्ड अ स्टेलियन। अ मेल डियर इज कॉल्ड अ बक। अ मेल हनी बी इज कॉल्ड अ ड्रोन। नाउ नेक्स्ट, वन वर्ड, जस्ट वन वर्ड। फिलिंग द ब्लैंक्स टू सम स्पेशल प्लेसेस इन क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड डालना है आप, देखो इसमें इसको समझना आप। वन नंबर, वन नंबर बता रहा है, क्लू दे रहा है। अ पब्लिक नर्सरी फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए नर्सरी को बोलते हैं क्रैच। CRECH, क्रैच, जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है। सेकेंड नंबर, अ हाउस ऑफ नंस, जहाँ पर नंस रहती है। नंस कौन होती हैं, जो चर्च वगैरह में फादर होते हैं ना, तो लेडीज़ को बोलते हैं नंस, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेंट, CONVENT, कॉन्वेंट। थर्ड नंबर, अ बिल्डिंग हाउसिंग अ वर्किंग मॉडल ऑफ प्लैनेट्स एंड अदर हैवीली बॉडीज, है ना। ऐसी बिल्डिंग हाउसिंग जहाँ पर क्या होता है कि ये हेवनली बॉडीज यानी कि अपने ग्रह नक्षत्रों का काम होता है, उसको बोलते हैं प्लैनिटेरियम। प्लैनिटेरियम, PLANETARIUM। फोर्थ नंबर, अ टैंक फॉर कीपिंग फिश, ऐसा टैंक जिसमें मछलियों को रखा जाता है, तो एक्वेरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम। फिर आ गया है फिफ्थ बिल्डिंग फॉर हाउसिंग शोल्डर्स। शोल्डर्स को रखने का जहाँ पर रहते हैं उसको बोलते हैं बराक। क्या बोलते हैं, बराक, BARACK। सिक्स नंबर, एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ द इंसान, यानी ऐसा ऐसी जगह जहाँ पर पागलों का की देखभाल होती है, वहाँ पर उसको बोलते हैं एसाइलम। एसाइलम है ना। फिर है अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, एवियरी है ना। क्या बोलते हैं, एवियरी। अब देखो, एपायरी इज़ अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट। एपायरी किसको बोला जाता है, जहाँ पर मक्खियों को, मधुमक्खियों को रखा जाता है। द पीपल हु गैदर टुगेदर टू टेक पार्ट इन रिलीजियस वर्शिप और कॉल कॉन्ग्रीजेशन, ठीक है, जहाँ पर पूजा के लिए सब लोग धार्मिक रूप से इकट्ठे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीजेशन। नाउ चैप्टर नंबर 7, स्माइलीज। अब है, अ स्माइल इज अ कंपैरिजन ऑफ अ पर्सन और थिंग विथ अनदर पर्सन और थिंग, फॉर एग्जाम्पल एज बिग एज एलिफेंट। अब इसमें क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है दो पर्सन का, जैसे कि ऐसा वाइट जैसे कि दूध है ना, ऐसा मोटा जैसे कि एलिफेंट है ना, तो इस तरीके से कंपैरिजन चलता है, ऐसा सुंदर जैसे कि तुम है ना, लाइक दिस। तो वही चीज़ हमको लिखनी है यहाँ पर, एज ब्लैक एज, ऐसा काला जैसे कि कोयला,
कोल सी ओ एल। एज ग्रीडी एज फॉक्स, ऐसा लालची जैसे कि लोमड़ी। एज बिजी एज बी, ऐसा बिजी व्यस्त रहना जैसे कि मक्खी। एज इनोसेंट एज लैम्प, ऐसा मासूम होना जैसे कि भेड़िया का भेड़िया। एज ग्रेसफुल एज स्वान, इतना प्यारा होना जैसे कि स्वान, दिखने में इतना ग्रेसफुल होना। एज लाइट एज फीदर, इतना हल्का जैसे कि पंख। एज स्विफ्ट एज एन पिकॉक, ऐसा घूमने वाला जैसे कि पिकॉक। एज प्राउड एज लॉयन, ऐसा गर्व वाला जैसे कि शेर। एज शार्प एज एरो, इतना तीखा इतना तेज जैसे कि एरो। एज स्टूपिड एज डंकी, ऐसा बेवकूफ़ जैसे कि गधा। एज रेड एज रोज़, एज क्लियर एज क्रिस्टल, ऐसा साफ सुथरा जैसे क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है, ऐसा एक वो होता है मटेरियल जिसके अंदर से आर पार हम देख सकते हो ना, तो एज क्लियर एज क्रिस्टल। एज बोल्ड एज ब्रास, एज फेथफुल एज ए डॉग, एज हैप्पी एज ए रेजो। समझ में आया ये आपको? ठीक है, ये हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 6 7। ओके, फटाफट इसको कर लीजिए। थैंक यू।